तो गाइस कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके मेरे चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई मूवी, टाइटल है बॉब बिस्वास और वेले, जिसे कि रिलीज हुए वेले जिसे कि रिलीज हुए आज 7 दिन हुए हैं और बॉब बिस्वास रिलीज हुए 14 दिन कंप्लीट कर चुकी है। वेले सबसे पहले बात करते हैं बॉब बिस्वास को लेकर, जिसे कि रिलीज हुए आज 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और ये फिल्म काफ़ी अच्छा रन कर रही है, लेकिन आज सडनली ड्रॉप आया कारण है गाइज हाल फिलहाल रिलीज हुई मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम, जबकि एक हॉलीवुड की मूवी है और इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन पड़ रहा है, मतलब डिप्रेशन पड़ रहा है फिल्म के कलेक्शन पर। वेल आपको बता दूँ वो भी गाइज तब जब ये फिल्म रिलीज हुई है थिएटर में, ना कि OTT पर। अगर OTT पर ये फिल्म रिलीज हुई होती तो मान के चलना इसका पूरा खेल खत्म था बॉब बिस्वास का। वेल आपको बता दूँ बॉब बिस्वास एक अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी इंप्रेशन डाल रही है आज भी ऑडियंस पर और कलेक्शन भी काफ़ी शानदार है। मूवी में ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को पसंद ना आए, मूवी आउटस्टैंडिंग है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लीडिंग में नजर आए अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह, डायरेक्शन दिया है दिया अनुपमा घोष ने और प्रोड्यूस किया है जाने माने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स ने। आज का जो कलेक्शन है फिल्म का वो है लगभग 5 करोड़ रुपये और फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है अभी तक 95 करोड़ प्लस। जी हाँ, वहीं बात करें लिस्ट की दूसरी फिल्म वेल्ले को लेकर, वेल्ले जो कि कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म है और लीडिंग में नजर आ रहे हैं अभय देओल, करण देओल, आन्या सिंह और मौनी रॉय। भाई साहब फिल्म तो ये भी काफ़ी अच्छी है, रेटिंग भी काफ़ी शानदार रही इस फिल्म की, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म कलेक्शन करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही और जिसको वर्डिक्ट मिलने वाला है मेरे हिसाब से वो या तो फ्लॉप होगा या एवरेज हिट का बस ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसका जो बजट है वो है 10 करोड़ रुपये और वहीं ये फिल्म कलेक्शन कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, आप पता चली जाएगा आपको कलेक्शन बताऊंगा तो। आपको बता दूँ आज इस फिल्म को रिलीज़ हुए 7 दिन पूरे हो चले हैं और जो कलेक्शन आ रहा है इस फिल्म का 7वें दिन का 6ठे दिन का वो है महज 20 से 25 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा, लास्ट मान सकते हो 40 लाख का कलेक्शन कर रही है ये आज के दिन। और जो टोटल कलेक्शन हो चुका है फिल्म का अभी तक वो चुका है 7 करोड़ 90 लाख रुपए और जो फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन हुआ है 7 करोड़ 90 लाख और वहीं जो इसका बजट है वो है 10 करोड़, तो आप मान के चलना ये फिल्म कल पुष्पा रिलीज होने के बावजूद तो उसके जो स्क्रीन से बची खुची वो भी कम हो चुकी होंगी और कलेक्शन बिल्कुल जीरो। वेल आपको क्या लगता है कि फिल्म क्या 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर पाएगी या फिर नहीं, आपकी जैसी भी हो रहा है फिल्म को लेकर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।